कांग्रेस के अध्यक्ष इंडियन ओवरसीज के सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद भारत की विविधता को लेकर बयान दिया है। पूरे देश में सैम पित्रोदा को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। दरअसल पित्रोदा का इंटरव्यू भारत में हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कांग्रेस के अध्यक्ष इंडियन ओवरसीज के सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद भारत की विविधता को लेकर बयान दिया है। पित्रोदा ने कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। इतना भर कहना था, पूरे देश में हाहाकार मच गया। पूरे देश में सैम पित्रोदा को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। बयान देने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा मंजूर नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। जब बयान सामने आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में सभा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, शहजादे के फिलोसोफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान कर दिया है, गाली दी है। दरअसल पित्रोदा का इंटरव्यू भारत में हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। सैम पित्रोदा ने अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन को दिए एक इंटरव्यू में विविधता पर बयान दिया। उन्होंने कहा, हम 75 साल बहुत खुशहाल माहौल में रहे हैं। लोग इधर उधर के झगड़ों को छोड़कर एक साथ रहते थे। हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं, यहाँ हम सभी भाई बहन हैं। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हम सभी अलग अलग भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और खाने का सम्मान करते हैं। यही वो भारत है जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, जहाँ हर किसी के लिए एक जगह है, यहाँ हर कोई एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत समझौता करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मेरा मन गुस्से से भर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, लोग मुझे गाली दे तो मैं गाली सह लेता हूँ, लेकिन शहजादे की फिलोसफर ने इतनी बड़ी गाली दी है कि मेरे मन में गुस्सा भर गया है। मोदी कहते हैं कि क्या मेरे देश में चमड़ी का रंग देखकर लोगों को योग्यता तय होगी? चमड़ी के रंग का खेल खेलने का हक शहजादे को किसने दिया? संविधान सर पर लेकर नाचने वाले लोग मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सैम पित्रोदा को नहीं बल्कि राहुल गांधी को टारगेट करते हुए नजर आए। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिरकार कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर क्या कहा है। जयराम रमेश, सैम पित्रोदा ने भारत की विविधताओं की जो उपमाएं दी हैं वो गलत है, अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। इसके अलावा संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, उन्होंने कहा कि जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। उधर शिवसेना यूबीटी ग्रुप की प्रियंका चतुर्वेदी की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं, लेकिन क्या वह घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं? कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और क्या वो इसी देश में रहते हैं? वो विदेश में रहते हैं। उनके मुद्दों को देश का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुधांशु त्रिवेदी भाजपा से, सैम पित्रोदा ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और यहाँ के लोगों की पहचान पर आपत्तिजनक बयान दिया है। ऐसा लगता है कि ये विषय केवल चुनाव या राजनीति तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारत के अस्तित्व से जुड़ा है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सैम पित्रोदा कई बार विवादित बयान दे चुके हैं विरासत टैक्स को लेकर। सैम पित्रोदा ने 23 अप्रैल को भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स लगाने की बात की थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, जबकि उसके बच्चों को सिर्फ 45% हिस्सा मिलता है। पित्रोदा ने यह भी कहा कि भारत में इस तरह का कानून नहीं है, इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक नीतिगत मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नीति बनाएगी जिसके माध्यम से धन का बंटवारा बेहतर होगा। लोकसभा चुनाव के बीच पित्रोदा का बयान से भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर रैली, सभा और इंटरव्यू में विरासत टैक्स के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कई बार कहा है कि कांग्रेस से सरकार आई तो वो लोगों के जमीन जायदाद और मंगलाओं के मंगलसूत्र के दो हिस्से लगाएगी और इसे अल्पसंख्यकों में बांट देगी। हालांकि कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया और प्रधानमंत्री के दावे को झूठा साबित कर दिया। इसके अलावा जो दूसरा बयान था उनका, वो सिख विरोधी दंगे थे। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सिख दंगों पर एक बयान देकर पित्रोदा फंस गए थे।
दरअसल भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी रहे पित्रौदा ने 10 मई 2019 को कहा था, अब क्या है 1984 का, भाजपा ने 5 साल में क्या किया उसकी बात करें, 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। कांग्रेस को इस बयान से भी किराना करना पड़ा और पित्रौदा को माफी मांगनी पड़ी। मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, ये भी बयान पित्रौदा का आया था। 2019 की बात है, 6 अप्रैल की, कहा था कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, पार्टी को सफाई देनी पड़ी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मिडिल क्लास लोगों को कोई अतिरिक्त टैक्स का बोझ नहीं डालेगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इस पर सवाल उठाते हुए 22 मार्च 2019 को पित्रौदा ने कहा था कि ऐसे हमले होते रहते हैं, कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है। पित्रौदा ने कहा था कि मुंबई में भी हमला हुआ था और हमारी सरकार भी जवाब दे सकती थी, हम भी अपने विमान भेज सकते थे, लेकिन ये दृष्टिकोण सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह गलत है कि कुछ लोगों की गलती के चलते हम पाकिस्तान के हर नागरिक को दोषी ठहराएं। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, 6 जून 2018 की बात है। राम मंदिर पर पित्रौदा ने कहा था कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात ही नहीं करता, हर कोई राम हनुमान और मंदिर की बात करते हैं, मंदिर बनाने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि सैम पित्रौदा का विवादों से नाता रहा है। तो चलिए जो वीडियो वायरल हो रहा है, इंटरव्यू का जो चंक है, वो भी आपको सुना देते हैं। वन व्यू एंड दैट व्यू सेंटर्स अराउंड राम टेंपल, गॉड, हिस्ट्री, हेरिटेज, you know, Bhagwan, Hanuman, Bajrang Dal and all kinds of issues. Fine. I respect their view. There is another group which says, look, our founding fathers fought for British Raj, not for Hindu Rashtra, but for a secular nation. Pakistan decided to create a nation based on religion and see what happened to them. We are a shining example of democracy in the world. We have survived 70 years, 75 years, in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, you know, maybe white, and people in South look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. And as a Gujarati, I love dosa. I love idli. That's my food. That's no longer South Indian food. Okay, that's the India I believe in, where everybody has a place. Everybody compromises a little bit. You know, if I go to Tamil Nadu and can't speak local language, that's okay. I'm still at home. Okay? People love me. I can go to any shop and buy anything and stay in any hotel because that's my India. Okay? So that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, you know, talking, you know, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. Prime Minister is a... तो ये पित्रौदा ने बातें बोली है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आखिर पित्रौदा साबित क्या करना चाहती है और कांग्रेस क्यों अपनी मट्टी पलीद करने में लगी हुई है। जैसे तैसे जनाधार बढ़ाने की कोशिश यहाँ कांग्रेस कर रही है, लेकिन अगर इस तरह के नेता कांग्रेस में है तो आगे चलकर कांग्रेस को सोचना होगा, क्योंकि इससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। भारत एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।